शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच ब्राह्मण ही पहचाने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रश्मि फ्लाई हाई, मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। दोस्तों, बंगाल से लेकर यूपी तक राजनीति में ब्राह्मणों को ही क्यों खुश किया जा रहा है, आज इसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा ले, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप लोगों को मिले। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी, वो भी बंगाल से, जहाँ बंगाल की मुखिया CM ममता बनर्जी ने मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों के लिए हर महीना 1,000 रुपये देने की घोषणा की है। अब आप चाहे इसे भत्ता कह लीजिए या महीना कह लीजिए, जो कह लीजिए। और साथ ही साथ ये घोषणा भी की है कि जिन पुजारियों के पास अपना मकान नहीं है, उन्हें वो सरकारी आवास योजना के तहत मकान भी देगी। अब इसमें ताज्जुब की बात यह है कि ये जो घोषणा CM ममता बनर्जी ने की है, वो ऐसे समय में आई है जब यूपी में जो ब्राह्मणों की राजनीति है वो अपने शबाब पर है। जी हाँ, कैसे हम आपको बताते हैं। और यूपी में ब्राह्मणों की राजनीति शबाब पर बनी तो है, साथ ही साथ वहाँ पे इस राजनीति का प्रतीक बने हुए हैं भगवान परशुराम। अब भगवान परशुराम बीच में कैसे आ गए, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही सपा और बसपा दोनों ही पार्टियों ने ये ऐलान किया कि अगर यूपी में उनकी सरकार आती है तो वो भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवाएंगे। अब जैसे ही दोनों पार्टियों ने ये दावा किया, वैसे ही वहाँ से BJP के एक विधायक ने ये कह दिया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ब्राह्मणों के लिए जीवन और मेडिकल बीमा करवाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये भी हम आपको बता दें। अब चलिए हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, ज़्यादा नहीं, एक साल पीछे हम चलते हैं इसी चुनावी ब्राह्मणों के ऊपर बात करने के लिए। पिछले साल की बात है, आंध्र प्रदेश चुनाव के दौरान वहाँ की जो तत्कालीन सरकार है, उन्होंने उस वक्त ब्राह्मणों को खुश करने के लिए वहाँ के ब्राह्मण युवाओं को 2,00,000 रुपये की सब्सिडी देकर स्विफ्ट कार दिलवाई, और साथ ही साथ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई, जहां से वहां के ब्राह्मण बहुत ही कम ब्याज पर कर्ज ले सकते हैं। और तेलंगाना में भी ब्राह्मणों के लिए सरकारी कई चीज़ें की गई थी। अब अचंभे की बात है कि इस पर अचंभा होता है, क्या अचंभा होता है ये हम आपको बताते हैं कि ब्राह्मणों की जो आबादी है वो हर राज्य में कम है, फिर भी इन पर ही क्यों राजनीतिक पार्टियां दाव चल रही हैं और उनको खुश करने में लगी है, इस पर ज़रा हम चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि हर राज्य में ब्राह्मणों की जो संख्या बहुत कम है। अगर मैं बात करती हूँ यूपी की, तो यूपी में जो है ब्राह्मणों की संख्या जो है, मतलब आबादी जो है, वो करीबन 9 से 11% की होगी, जो कि वहाँ के मुसलमानों की आबादी की संख्या से भी बहुत कम है। और ठीक इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं बंगाल की तरफ, तो बंगाल में हालांकि जाति विशेष के ऊपर कोई सरकारी आंकड़े तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन अनुमान के हिसाब से वहाँ पर ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 3 से 5 या 4% की है। बाकी राज्यों का भी यही हालत है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सब जगह लगभग यही हालत है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कम आबादी होने के बाद भी ब्राह्मणों को ही क्यों राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वो खुश करने में लगी हुई है। चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल पार्टियां हैं, वो ब्राह्मणों पर ही दाव चल रही है, इस पर भी हम आपको एक अपना विश्लेषण बता रहे हैं। आपको बता दें कि जो ब्राह्मण जाति है वो एक समय में कांग्रेस का वोट होती थी, लेकिन 90 के दशक में जब राजनीति परिवेश में बदलाव आए, तब जाकर जो ब्राह्मण हैं वो BJP के वोटर बन गए। आपको याद होगा कि जब यूपी में BJP जो पार्टी है वो हाशिए पर थी ढाई दशक तक,
तो उस समय जो ब्राह्मण हैं वो सपा और बसपा के साथ थे। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी युग की शुरुआत हुई, ब्राह्मणों की वापसी हुई और उसके साथ और उसका नतीजा 2017 में भारी बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। तो कहने का मतलब है कि जिस जिस जगह पर बीजेपी की सत्ता है वहाँ ब्राह्मणों ने क्षेत्र दलों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो लगभग सारी ही राजनीतिक जो पार्टियां हैं और वो जो दल है वो कोशिश करते हैं कि जो भले ही ब्राह्मणों की आबादी कम है लेकिन ब्राह्मण जो है वो बहुत मुखर होते हैं और जिस भी पार्टी के साथ रहते हैं, जिस भी पार्टी का चेहरा बनते हैं, वो अपना एक अलग ही माहौल बना देते हैं और जहाँ भी रहते हैं यकीन मानिए ब्राह्मणों का वहाँ अपना एक अलग ही दबदबा होता है। तो दोस्तों ये था पूरा विश्लेषण कि क्यों राजनीतिक पार्टियाँ या क्षेत्र दल पार्टियाँ ब्राह्मणों पर दाव चलती हैं ज़्यादातर चुनावों के दौरान और उन्हें खुश करने में लगी हुई है उनकी आबादी कम होने के बावजूद भी। यकीन है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।